हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम प्रीति तिवारी है और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इंगेजमेंट के लिए हेयर स्टाइल। तो जिसके भी पतले हल्के बाल हैं तो अक्सर कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे हमारे फ्रंट के हेयर में वॉल्यूम क्रिएट की जाए, अच्छा लुक आए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, फ्रंट के हेयर में मेरे तो वॉल्यूम थोड़े ठीक है बट आपके कम भी होंगे, तो ये ट्रिक आप अप्लाई करोगे तो आपका जो हेयर स्टाइल है, वेडिंग पार्टी, इंगेजमेंट, जो भी आप लुक क्रिएट करना चाहते हो तो अच्छे से हो जाएगा। सबसे पहले आपको क्रम्पर ले लेना है, ये देखिए, इसको बोलते हैं क्रम्पर, जिसमें इस तरीके की लाइनिंग होती है। अच्छे से इसको हीट होने देंगे, जब ये अच्छे से हीट हो जाए तो अपने फ्रंट के हेयर पे इसको अप्लाई करना है, जिससे कि लाइनिंग बनेगी और बालों में एक इंस्टेंट वॉल्यूम आएगी, जिससे कि आपका फ्रंट का जो लुक है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा और आप अपने इंगेजमेंट लुक के लिए रेडी हो पाओगे। तो चलिए बताते हैं किस तरीके से आपको करना है। पहले मैं इसको अच्छे से हीट होने के लिए छोड़ रही हूँ, ये वाला हाथ पे मैंने आई मेकअप किया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा क्रम्पर है वो अच्छे से हीट हो चुका है, हम करेंगे अभी क्रम्पिंग बालों में। तो खुद से कर रहे हो तो आप पहले सेंटर पार्टीशन कर लो। सेंटर पार्टीशन करने के बाद से बालों का एकदम पतला पतला लेयर लीजिएगा। मेरा जो क्रम्पर है वो काफ़ी छोटा है, मैंने इसको ऑनलाइन ऑर्डर किया था। अब आपको इस तरीके से बालों में इसको पकड़ना है, देन अच्छे से फैला के प्रेशर देते हुए इस तरीके से दबाना है। तो आप देखोगे मेरे बालों पे एक लाइन बनती जाएगी। अभी आई होप कि आपको दिख रहा हो। इस तरीके से बालों में पहले क्रम्प कर लीजिए अगर बहुत ही पतले हल्के बाल हैं तो। उसके बाद आप अपना पार्टी, वेडिंग, एंगेजमेंट जो भी है उसके लिए आप अपना हेयर स्टाइल बनाइए, तो बहुत इजीली बन जाएगा। फिर आपको एक लेयर लेनी है पतली सी, देन क्रम्प करना है। आई होप कि आपको दिख रहा हो। तो इस तरीके से पूरे बालों में आपको फ्रंट के हेयर में क्रम्प कर लेना है, जिससे कि आपके बालों में एक वॉल्यूम आ जाए। क्रम्पिंग करने के बाद नॉर्मली भी आप अपने हेयर स्टाइल को ऐसे लुक देते हो तो काफ़ी अच्छा सा लुक आ जाता है आपके बालों में। तो मैं सिर्फ फ्रंट फ्रंट का दे रही हूँ, आप चाहो तो अगर आप किसी और पे बना रहे हो तो थोड़ा ज़्यादा बाल लेके उनको क्रम्प कर दीजिएगा। ब्राइडल्स का भी हेयर स्टाइल कर रहे हो, अगर उनके बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं, थिन हैं, तो आप ये ट्रिक ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। तो बस इतना ही रहने देती हूँ और मैं आपको हेयर स्टाइल बता देती हूँ। अब आप सिंपली यहाँ से हेयर लेके इस तरीके से खींच के ब्राइडल को बहुत अच्छा सा लुक दे सकते हो। तो चलिए हेयर स्टाइल बनाते हैं। क्रम्पिंग करने के बाद से आपको, जैसे आप वेडिंग के लिए हेयर स्टाइल बना रहे हो तो आप पहले थोड़ा सा अपने क्राउन एरिया से हेयर को थोड़ा सा पफ का लुक दोगे। अगर आपको आर्टिफिशियल पफ वगैरह नहीं लगाना है तो आप सिंपली बैक कॉम्बिंग करके अपना पफ बना सकते हो। तो बैक कॉम्बिंग के लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से हेयर को उठाना है, देन पीछे से बैक कॉम्बिंग करना है एंड सेटिंग स्प्रे अप्लाई कर देना है, जिससे कि आपके बालों में इंस्टेंट वॉल्यूम आ जाए। आप देख सकते हो मैंने छोड़ दिया है हेयर को, फिर भी हमारे बालों में एक अच्छा सा वॉल्यूम है।
फिर ऊपर से इसको बस लुक फिनिशिंग करते हुए अगेन सिंपल से बालों को पकड़ेंगे। अगर आपको पफ बनाना है तो थोड़ा सा आगे की तरफ पुल आउट कर सकते हो, अदरवाइज आप खुद ऐसे ही सिंपली क्लिप अटैच कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्लिप लगा दे रही हूँ। अगर आपको टीका लगाना है तो आप पहले टीका अटैच कर लीजिए, टीका तो लगाना ही होगा, तो पहले आप टीका अटैच कर लीजिएगा। जैसे क्लम्पिंग करने के बाद पहले टीका अटैच कीजिएगा, उसके बाद से अपना हेयर स्टाइल स्टार्ट कीजिएगा। ये हो गया। देन आपको साइड पार्टीशन रखनी है। साइड इंगेजमेंट में तो साइड पार्टीशन ही अच्छी लगेगी। अगर आप फेस के अकॉर्डिंग, वैसे तो आप पार्टीशन रख सकते हो जो आपके फेस पे सूट करता है, बट साइड पार्टीशन मेरे ख्याल से सब पे सूट करता है। जिसका बहुत ब्रॉड फेस है, चौड़ा फेस है, उस पे मिडिल पार्टीशन करनी चाहिए। तो इस तरीके से मैंने साइड पार्टीशन रख लिया है। देन आपको यहाँ से हेयर को इस तरीके से पकड़ना है। यहाँ से आपका हेयर इस तरीके से उठा रहे, इसके लिए आप सेटिंग स्प्रे अप्लाई कर दीजिएगा। ओके, इस तरीके से ला के यहाँ से आप इस तरीके से खींच दीजिएगा, जिससे कि आपके हेयर में अच्छा सा लुक आ जाए बालों में। अब इसको ट्विस्ट करके आप बैक साइड में ले जाके पिन से सिक्योर कर देंगे। सेटिंग स्प्रे अगेन लगाएंगे, यहाँ से इस तरीके से सिंपल कॉम करेंगे, देन यहाँ से फ्लैट लुक। इस साइड के हेयर को भी सिंपली कॉम करेंगे हल्का सा, नीचे की तरफ पुल आउट करते हुए बैक साइड में ले जाके क्लिप की मदद से सिक्योर कर देंगे। अच्छे से क्लिप लगा लीजिएगा। सेटिंग स्प्रे को कॉम पे लगाएंगे। अब कहीं से भी आपके बेबी हेयर्स बाहर की तरफ नहीं आने चाहिए। इसके साथ आप इयररिंग्स वगैरह पहनोगे तो आपका लुक जो है वो काफ़ी अच्छा आ जाएगा। इयररिंग्स और ज्वेलरी पूरी पहनोगे तो बहुत अच्छे से लुक आ जाएगा। तो इधर से मेरे लेयर्स छोटे हैं जिसकी वजह से निकल जा रहा है, तो मैं इसको अच्छे से सेटिंग स्प्रे से सेट कर दे रही हूँ। ओके, तो ये हमारा फ्रंट का लुक हो गया। देन सारे बालों को कर्ल्स करके आप एक साइड में इस तरीके से रख सकते हो, जिससे कि आपका जो हेयर स्टाइल का लुक है वो काफ़ी अच्छा आ जाएगा। तो इंगेजमेंट में आप इस तरीके से हेयर स्टाइल कर सकते हो। तो अभी मैं इन सब हेयर्स को कर्ल्स कर्ल्स कर लेती हूँ, उसके बाद से आपको दिखाती हूँ अपना फाइनल लुक। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे कर्ल्स कर रही हूँ बालों में। इसी तरीके से सारे बालों में आपको कर्ल्स कर देना है, जितने भी ओपन हेयर है। लंबे बाल हैं तो आप ये वाला ट्रिक कर सकते हो, बहुत ही सुंदर लगेगा। मीडियम है तो भी अच्छे लगेंगे, बट छोटे हैं
तो आप कोई बन ट्राई कर लेना, बहुत सारे बाल बन बताए हुए हैं मैंने छोटे बालों के लिए। आई होप कि आपको क्लियर दिख रहा हो गाइस। तो पूरा कर्ल्स करके दिखाती हूँ। तो ये जो मेरा फ्रंट का लेयर था इसको भी मैंने कर्ल्स कर दिया है। देन ये साइड वाला लेयर है इसको भी कर्ल्स कर देते हैं। ओके देन सारे हेयर हमारे कर्ल्स हो चुके हैं, लाइटली कर्ल्स किए हैं, बहुत ज़्यादा कर्ल्स नहीं किए हैं, जिससे कि बालों में सिर्फ वॉल्यूम आ जाए और आपका हेयर स्टाइल अभी कंप्लीट होने वाला है। इंगेजमेंट लुक है तो आपको इस तरीके से सेटिंग स्प्रे अच्छे से लगाना है। देन अपने बालों में थोड़ी थोड़ी सी लाइनिंग इस तरीके से बना देनी है जिससे कि आपका हेयर स्टाइल का जो लुक है वो काफ़ी अच्छा सा आ जाए। सेम इस साइड भी ऐसे ही करना है आपको। बहुत इजीली बन जाता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं बन पाएगा आपसे, बहुत आराम से आप बना लोगे। बैक तक इसको इस तरीके से लाइनिंग को लेके जाना है। जितना आपको बनाना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना बनाना है, पतला चौड़ा जितना भी लाइन इस तरीके से क्रिएट करना है आप कर लेना। देन आपको अपर में भी चाहिए तो अपर पार्ट में भी इस तरीके से करके छोटी छोटी सी पतली पतली सी लाइनिंग बना देनी है। अगर आप किसी की हेल्प लेते हो तो काफ़ी अच्छा सा लुक आ जाएगा आपके हेयर स्टाइल का, और ख़ुद से भी आप इस तरीके से रेडी हो सकते हो। और इसके साथ आप इयररिंग्स वगैरह पहन लेना जिससे कि आपका हेयर स्टाइल का जो लुक है वो काफ़ी अच्छा आ जाएगा। देन मैंने स्वेटर पहने हुए हैं तो स्वेटर रिमूव करके दिखाती हूँ। तो ये है मेरा फाइनल लुक। तो इस तरीके से आप अपना इंगेजमेंट के लिए रेडी हो सकते हो, इंगेजमेंट के लिए हेयर स्टाइल बना सकते हो। मीडियम लेंथ पे भी ये हेयर स्टाइल काफ़ी अच्छा लगेगा, बैक से इस तरीके का लुक आएगा, और आप इसको लहंगे के साथ साड़ी के साथ भी बना सकते हो। और इस तरीके ये मेरा DIY मांगटीका है, मैंने ये मेरा इयररिंग्स है जिसको मैंने मांगटीका की तरह यहाँ पे पहना हुआ है। आप भी चाहो तो इस तरीके से पहन सकते हो। तो आई होप कि आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। मैं अपने चैनल पे इसी तरीके से रोज़ वीडियो लेकर आते रहती हूँ शादी पार्टी के लिए, और बहुत ही हेल्पफुल वीडियो आप लोग के लिए। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरीके की वीडियोज आप लोगों से मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।